तो भाई यो नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, सबर कर लो। आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज इस वीडियो में 10 से लेके 15 नया स्मार्टफोन बताने जा रहा हूँ, जो कि आने वाला कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्ते में इंडिया पे लॉन्च हो रहा है। सारे स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च लगभग कंफर्म हो चुका है, और मुझे उम्मीद है इनमें से कोई भी एक फोन आपके लिए भी बेस्ट हो सकता है आपका प्राइस रेंज में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सा फोन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लाइक का टारगेट 700 रखते हैं दोस्त, कंप्लीट कर दो। तो देखो भाई, मोबाइल के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। मेरा एक अमित टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल नाम से एक चैनल है, जिसमें भाई 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर ऑलरेडी जुड़ चुका है। और उस चैनल पे मैं अपना लाइफस्टाइल या फिर अपना स्टूडियो या फिर मेरा पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चलता है, मैं कैसे कितना पैसा कमाता हूँ, उसके बारे में मतलब ज्यादातर वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप अभी तक मेरा लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसे बता दूं भाई, सोनी का मैंने अभी एक लेंस भी परचेस किया है, जो कि भाई 22,000 का है, 50mm का लेंस। आप सोच रहे हो भाई लेंस ले लिया, कैमरा कहाँ है? भाई कैमरा ऑर्डर भी कर दिया है, शायद एक दो दिन में भाई डिलीवर हो जाएगा, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है। दोनों मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, बट लेंस पहले आ गया, अभी कैमरा नहीं आया है, तो वो आ जाएगा। उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरा लाइफस्टाइल चैनल पे मिलेगा भाई। चलिए मैं आपको वन बाय वन सारे स्मार्टफोन के बारे में बताता हूं, जो कि आने वाला कुछ दिनों में इंडिया पे लॉन्च हो रहा है। पहला स्मार्टफोन भाई आपको देखने को मिलेगा टेक्नो की तरफ से, भाई टेक्नो कैमोन 20 सीरीज। और इस सीरीज में दोस्तों दो फोन इंडिया पे ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है आज। जी हाँ दोस्तों, आज 9 बजे लॉन्च हो जाएगा। तो कैमोन सीरीज में टेक्नो भाई दो फोन को जो लॉन्च कर रहा है, टेक्नो कैमोन 20 और 20 Pro 5G, ये दो फोन इंडिया पे लॉन्च किया जा रहा है। अब इसका प्राइस कितना निकल के आता है उसके बारे में कल का वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट फोन दोस्तों आपको रेडमी का देखने को मिलेगा। जो लोग भाई गेमिंग लवर है, गेमिंग के लिए जबरदस्त फोन ढूंढ रहा है, उसके लिए भाई यहाँ पर रेडमी K सीरीज का मतलब K60 अल्ट्रा के नाम से एक फोन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, जिसका एक रेंडर पिक्चर निकल कर आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ये फोन अभी रिसेंटली तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, शायद आपको 1 से 1.5 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फोन आपको इंडिया पे देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से 25 से 30 के बीच में इस मॉडल का प्राइस होगा। और नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें गाइस, तो रियलमी का है, जिसका बजट कम है, 8,000 या फिर 9,000 के आसपास है। उसके लिए रियलमी सी सीरीज का एक स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर रहा है, रियलमी C53, जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे बनाया है। बेसिकली ये कोई नया स्मार्टफोन तो नहीं होगा, रियलमी का जो नार्जो N53 आया है उसी का सेम फीचर्स के साथ यहाँ पर C53 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह फोन अमेजोन पे आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा। नार्जो N53 अमेजोन पे लॉन्च हुआ था, लेकिन यह फोन फ्लिपकार्ट में आपको मिलेगा। प्राइस की बात करें 8,999, यानी इसका बेस वेरिएंट भाई 9,000 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें गाइस, तो ये वीवो की तरफ से है। वीवो रिसेंटली भाई अपना वी सीरीज का फोन लॉन्च किया है, वीवो V27 सीरीज। अब यहाँ पर भाई लीक्स निकल के आ चुका है कि वीवो V29 Pro को लॉन्च कर रहा है गाइस, जिसका डिजाइन भी निकल के आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। डिजाइन भाई काफी मक्खन है, ऐसे तो वीवो का फोन का डिजाइन काफी अच्छा रहता है, और कैमरा स्पेशलिस्ट फोन होता है, जिसमें आपको तगड़ा तगड़ा फीचर्स देखने को मिलता है कैमरा में। अब देखते हैं क्या कुछ फीचर्स के साथ आता है, बाकी डिजाइन आपको कैसा लगा भाई कॉमेंट करके बताना। अब इसका टीजर आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब लीक्स होकर निकल के आया है, तो शायद ये फोन आपको जून में देखने को मिल सकता है। वैसे नेक्स्ट फोन की बात करें गाइस, तो ये आ जाता है रियलमी की तरफ से। भाई काफी दिन इसका वेट चल रहा है, रियलमी का नंबर 3 यानी रियलमी 11 प्रो सीरीज की बात कर रहा हूं गाइस, जिसका टीजर तो आ चुका है फ्लिपकार्ट में, लेकिन ये फोन इस महीने में लॉन्च नहीं हो रहा है, जून में, जून का फर्स्ट वीक शायद ये फोन इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा, जहां पर रियलमी का 11 प्रो और 11 प्रो प्लस दोनों फोन आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें गाइस, तो ये आ जाता है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग काफी दिन से मतलब 20 से 25 के बीच में कोई फोन अच्छा लॉन्च नहीं किया था, और ये फोन भाई सैमसंग का F सीरीज का फोन होगा, ये फ्लिपकार्ट में आपको देखने को मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। जी हाँ दोस्तों, ये फोन काफी अच्छा होगा, एमोलेड होगा, फर्स्ट चार्जिंग मिलेगा, कैमरा अच्छा होगा, 108 मेगापिक्सल होगा, और यहाँ पर 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, मतलब सब कुछ बेहतर होने वाला है। अब देखते हैं किस प्राइस में इसको लॉन्च करता है। एफ सीरीज का फोन स्पेशली भाई ऑनलाइन के लिए लॉन्च किया जाता है, तो इसलिए उसका प्राइस कम होता है। अब जो भी होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। जून में यह फोन इंडिया पे आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट फोन की बात करें गाइस, तो ये आ जाता है भाई OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord 3। जी हाँ दोस्तों, Nord 3 के बारे में काफी दिन से भाई चर्चा चल रहा है, और फाइनली ये फोन आप जून में देखने को मिलेगा इंडिया पे, ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों फीचर्स तो भाई नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है, फोन एक्चुअली में काफी अच्छा है, लेकिन भाई प्राइस 30,000 के आसपास जाने वाला है। वैसे तो OnePlus का फोन का प्राइस ज्यादा ही रहता है जो अच्छा वाला होता है। और नेक्स्ट फोन की बात करें गाइस, तो ये आ जाता है Nothing की तरफ से, Nothing Phone 2, जिसके बारे में तो आपको पता ही है, टीजर आ चुका है फ्लिपकार्ट में,
और जून में ये फोन ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ पर मीडियाटेक का नहीं भाई, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। नेक्स्ट फोन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स भाई जून पे नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, इन्फिनिक्स नोट सीरीज का, नोट 30 सीरीज का स्मार्टफोन, जिसका 8 तो भाई गूगल पे चल रहा है। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से 8 चल रहा है, इन्फिनिक्स नोट 30 सीरीज या फिर नोट 30 जो है कमिंग सून लिखा हुआ है। तो मैंने पिछले वीडियो में काफी सारा मतलब फीचर्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप जानना चाहते हो तो भाई चैनल पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं भाई कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है, नोट 30 और नोट 30 प्रो, ये दो फोन शायद पहले आपको देखने को मिलेगा। नोट 30 जो आएगा शायद ये 4G और 5G दोनों अलग अलग वेरियंट आ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों नोट 30 प्रो का भी एक 5G और 4G आएगा, और साथ में नोट 30 VIP 5G भी आने वाला है। तो काफी सारे स्मार्टफोन अभी नोट 30 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, उनमें से कुछ स्मार्टफोन अभी बहुत ही जल्द जून में इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सारे स्मार्टफोन मतलब बैक टू बैक आता रहेगा। तो जो भी फोन आएगा उसका अनबॉक्सिंग आपको चैनल पे जरूर मिलेगा, टेंशन मत लो। तो ये था कुछ स्मार्टफोन जो कि आने वाला कुछ ही दिनों में 10 से लेकर 15 स्मार्टफोन बताया भाई इंडिया पे लॉन्च हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया भाई अभी मैंने सोनी का भाई कैमरा ऑर्डर किया है, तो कौन सा कैमरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस चैनल पे एक वीडियो आएगा, इस चैनल पे भी शायद आ सकता है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस चैनल पे भी डाल दूंगा। लेकिन उस चैनल पे एक मोटिवेशन मतलब वीडियो आएगा, क्योंकि उस चैनल पे उस तरीके का वीडियो मैं डालता हूं। और कैमरा आने के बाद भाई वीडियो का क्वालिटी में तो आपको इंप्रूवमेंट धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई काफी महंगा कैमरा है वो। तो सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब कैमरा आ जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगला कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग।